इस वक्त की अहम खबर एलओसी से, इस वक्त की बड़ी खबर है वो दिखा दूं आपको। 9 दिन से जारी मुठभेड़ के बीच पुंछ पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे। आर्मी चीफ नरवणे ने पुंछ के हालात का जायजा लिया। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों के लिए जानकारी। पुंछ में पिछले 9 दिनों से चल रहा है आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सज्जाद तरीन, सच टीवी पाकिस्तान, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं सच की आवाज आएगी। सज्जाद तरीन, क्रिकेट होना चाहिए। देखें, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, अब 2 मिनट मेरी आप बात मुकम्मल सुनिएगा, बशर्ते कि आप रैशनल की बातें कहेंगे, घावों पर नमक छिड़कने वाली बातें नहीं कहेंगे। सज्जाद तरीन बोलिए। इंडिया देखें, मेरी बात, इंडिया और पाकिस्तान को हम जुनूनी सोच के हवाले नहीं कर सकते। हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलें ताकि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। देखिए, जो ये जुनूनी सोच है, ये जो जंगी सोच है, ये जो लड़ने मरने की सोच है, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छी नहीं है। गुर्बत बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आवाम में इजाफा हो रहा है। हमें गुर्बत खत्म करनी है। हमें पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की पसंद रोशन ख्याल मुल्क बनाए, पूरा खित्ता तरक्की करे। देखें, ये जो जुनूनी सोच है कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, इंतकाम होना चाहिए, ये कौम को जुनूनी मत बनाइएगा। हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप यूरोप देखें, यूरोप हमसे ज्यादा आपस में लड़ते रहे हैं, यूरोप ने हमसे ज्यादा कत्लो गारत की। आज यूरोप जो है वो आप लेते हैं गारंटी, सज्जाद तरीन कर रहे हैं। सज्जाद तरीन, हम खेलेंगे क्रिकेट, आप लेते हैं गारंटी कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कोई आतंकी नहीं आएगा सरहद पार से इधर, लेते हैं गारंटी आप? देखें, हमारे दोनों इस खित्ते में, इस खित्ते के जो जो दुश्मन है, जो इस खित्ते के चाहते हैं कि तरक्की ना करे, वो कोई ना कोई, कौन है खित्ते का दुश्मन जो तालिबान के वहां पर राज कायम करने पर कहता है गुलामी की जंजीर टूट गई? देखें, बात ये है, कल हमारे यहाँ कोयटा में जो है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, पुलिस पर ब्लास्ट हुआ है, हमारे यहाँ खुद ये हो रहे हैं, दुश्मन जो है वो चाहता है। अरे सज्जाद तरीन, तो आग से खेलने पर हाथ जलता है ना। हमने कुलभूषण को पकड़ा, कुलभूषण ने ये कहा कि मैं पूरा दहशत। सज्जाद तरीन, अगर आप पे फेंकने के लिए मैं अपने हाथ में शोले लेकर घूमूंगा तो मेरे हाथ भी जलेंगे ना किसी दिन। देखिए, हमने क्रिकेट खेलना है, हमने जुनूनी सोच पैदा नहीं करनी, हम लोगों में लड़ाई का जोश नहीं पैदा करना, हमने मोहब्बत का जोश पैदा करना है। हम मीडिया पे बैठ के, आप कहां पर, एक बात बताइए, मोहब्बत का जोश कहां पैदा हो रहा है? अफगानिस्तान में पैदा हो रहा है मोहब्बत का जोश? पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान में पैदा हो रहा है मोहब्बत का जोश? देखें, हम कश्मीर में आप लोग मोहब्बत का जोश भेज रहे हैं उधर से? हम ये देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, इस हवाले से बात यह है कि ये कह देना हो गया कि आप भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप यूएनओ में ले जाएं, जाके यूएनओ को बताएं कि ये पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगते हैं। खेल का जो मैदान है उसको जंग का मैदान, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपसे बड़े ठंडे दिमाग से एक बात पूछता हूँ सज्जाद तरीन, एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा। पूरी दुनिया का भरोसा क्यों उठता जा रहा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से पूरी दुनिया का भरोसा क्यों उठता जा रहा है? न्यूजीलैंड आकर वापस लौट जाए, वो तो गोरे लोग हैं, उनकी जान की कीमत वो समझते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए चले गए, बाकी सबको तो तकलीफ नहीं होती। इंडिया ना खेले, अरे खेलो हमारे साथ, नहीं खेलो मतलब अपने आप को लेजिटिमेसी भी मिलती रहे। पाकिस्तान से कोई एतमाद नहीं दुनिया का उठ रहा, पाकिस्तान आज भी चाहता है कि हमारा। सज्जाद तरीन, एक बात के बहुत खिलाफ हूं मैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, एक की गलती हो, इनकी आवाज नीचे कीजिए, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, एक की गलती हो दूसरे की ना हो, उनको दोनों को जाके थप्पड़ लगाना और ये कहना देखो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसको दोषी ठहराइए जो उसमें गलत है, और जो सही है, जो बेचारा बेगुनाह है, उसको बोलिए कि ये आदमी अच्छा है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सबको एक तराजू में तौलना बंद कीजिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको समझिए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।